हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन का ये डोरमेट बनाना सीखेंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। इसको मैंने 18 फंदों से बनाया है, आपको हम 22 फंदों में बनाना बताएंगे। और इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना के कंप्लीट कर लोगे। और बीच में आप यहाँ पे सिलाई कर देंगे और बीच में कोई भी कलर का पॉम पॉम्स लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, 18 फंदों से भी काफ़ी बड़ा हमारा बनके ये कंप्लीट हुआ है। आपको जितना फंदा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने बनाना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ प्यारा सा हमारा ये टेबल मैट आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखेंगे एक और नए डिजाइन का डोरमेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। दोनों कलर की वूल को मैंने फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे 8 नंबर मोटी वाली सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ईजी सा ये बहुत ही प्यारा सा टेबल मैट बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। हम आपको ये शुरू से ही बताएंगे, प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए हम शुरू से ही फर्स्ट रो से ही आपको बनाना बताएंगे, बिल्कुल ही नए डिजाइन का डोरमेट बनाएंगे, जो आप टेबल मैट भी की जगह यूज कर सकते हैं या पूजा आसन की तरह, जैसा आप चाहें उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फंदा डालेंगे और आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ये 22 फंदों में बता रही हूँ, ये देखिए आप अपने हिसाब से जोड़े से फंदे यहाँ पे ले सकते हैं। दो, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से फंदा आप आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे सात, तो ऐसे ही हम अपना यहाँ पे 22 फंदा ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 22 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए दो के जोड़े से हम गिन रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये 11, यानी कि 11 दूनी 22 फंदा हमने यहाँ पे ले लिया है। और देखिए मैं आपको ये वूल में बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट रो से ही आपको बनाना है, इसको बताएंगे कैसे हमने बनाना है। तो देखिए पहली सिलाई को हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस। तो देखिए यहाँ पे फंदे डाल के मैंने फर्स्ट रो अपनी बना ली है। अब इसमें हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो दूसरा कलर ऐड करने के लिए चाहे तो आप इसमें यहाँ पे नॉट लगा लें धागे को इस तरह से करते हुए, ये देखिए ऐसे, और चाहे आप ऐसे ही इसको लगा लें, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली है। अब नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने जब दूसरा कलर लगाया है तो एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, सिलाई पे लपेटते हुए ही हम फंदे को बढ़ा लेंगे। ये देखिए सिलाई पे लपेटते हुए ही फंदे को बढ़ा लिया है और इस धागे को दबा लेंगे अंदर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा इजी सा आपको डिजाइन यहाँ पे बता रहे हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए इसको हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया है और लास्ट के मैं दो फंदा अपना छोड़ूंगी। ये देखिए ये अंदर की तरफ दबा दिया।
तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा यहाँ पे बनाएंगे। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक फंदा बढ़ा लिया, 20 फंदे बना लिए और एक फंदा बढ़ा हुआ 21 फंदे बना लिए, दो लास्ट के छोड़ दिए। यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे सीधी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए ये सिलाई को यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बढ़े हुए फंदे तक आ गई हूँ और इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब फिर से ये देखिए मैं यहाँ पे अपना इस धागे को ऐसे पकड़ूंगी और ब्राउन कलर से हम फंदा बढ़ाते हुए फिर से बनाएंगे। ये देखिए हर बार हमने एक फंदा लपेटते हुए बढ़ाना है और लास्ट के दो फंदे छोड़ने हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही प्यारा सा आपका बनके कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम एक एक सिलाई बना रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ की दो दो सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी आ रही हैं। जैसे कि उल्टी साइड से मैंने कलर को चेंज कर दिया, फिर सीधी सिलाई देखिए दो फंदा फिर से छोड़ दिया क्रीम कलर का। और ये देखिए यहाँ पे हम सीधी सिलाई को भी बना लेते हैं, उल्टी कलर उल्टी सिलाई से ब्राउन कलर लगा दिया, सीधी को भी बनाएंगे। तो यानी कि दोनों तरफ की दो सिलाइयाँ हो जाएंगी और ऐसे देखेंगे तो हमारी यहाँ पे एक धारी आपको दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे हम सीधी सिलाई को फिर से हम बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। तो देखिए आपने हर बार अपना कलर चेंज करना है और इस धागे को ऐसे पकड़ना है और सिलाई पे लपेटते हुए ही हर बार हम फंदा अपना बढ़ा लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल सा है फंदा बढ़ाना, ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट का दो फंदा फिर से छोड़ेंगे। तो देखिए हम ऐसे ही इसको हर बार बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे ही अभी बनाते हुए चले जाएंगे, तब तक हम अपना 20 फंदा नहीं छोड़ लेते हैं दो दो करके यानी कि। और जब हम अपना 22वां फंदा छोड़ेंगे तो आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 6 फंदा छूट चुका है, दो दो फंदा हम हर बार छोड़ रहे हैं। यहीं से सिलाई को पलटने के बाद हम सीधी सिलाई को पूरा ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से आगे उल्टी सिलाई पे, तो हर बार हम ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट का दो फंदा छोड़ेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं बनाते हुए, यानी कि हम दो दो करके अपना 20 फंदा छोड़ लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। और सीधी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई से ही आपने एक फंदा लपेटते हुए बढ़ाना है यहाँ पे और लास्ट के दो फंदे हर बार छोड़ने हैं। तो देखिए दो फंदा छोड़ दिया, ये देखिए 8 फंदा छूट चुका है दो दो करके। तो आइए मैं ऐसे ही इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं और 8 फंदा छूट चुका है और 4 फंदे ही मैंने बढ़ा लिए हैं। तो आइए मैं आगे तक ऐसे ही इसको बना लेती हूँ और अभी अपना यहाँ पे टोटल 20 फंदा छोड़ेंगे और यहाँ पे 10 फंदा बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इतना इसको बना लिया है और यहाँ पे मैंने अपने दो दो करके 10 फंदा छोड़ लिया है, यानी कि 20 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहीं से सिलाई को पलटने के बाद हम लास्ट का आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे मेरे 10 फंदे बढ़ चुके हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आपने वैसे ही फंदों को बढ़ाना है और दो दो फंदे लास्ट के ऐसे ही छोड़ने हैं। ये देखिए, और देखिए इधर से भी हमारा ये आउटलाइन भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनती चली आ रही है। और देखिए यहाँ पे अब हम अपना 22वां फंदा छोड़ेंगे। देखिए इतना बना लिया है, अब ये देखिए यहीं से फिर से अब यहाँ पे अपना 11वां फंदा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए 2
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे 11 फंदा बढ़ चुके हैं, और जो मैंने फंदे डाले थे 22 फंदा, वो मेरा दो दो करके मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे आया है, देखिए आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं से सिलाई को पलटने के बाद हम सीधी सिलाई को पूरा बना लेंगे। जो मैंने 22 फंदा अपना डाला था दो दो करके वो छोड़ दिया है, और 11 फंदा अपना बढ़ा लिया है। तो अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से पत्ती हमारी बनेगी, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे अभी इन फंदों को घटाऊंगी, तो वो कैसे, तो देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा बन रहा है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फंदा हम ब्राउन कलर को लगाते हुए अपना 11 फंदा को घटाएंगे। तो देखिए कैसे दो को एक साथ लेते हुए, दो फंदों को एक साथ लेते हुए इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, और ब्राउन कलर से, जैसे कि हमारा क्रीम कलर से बना हुआ है तो घटाने हमने ब्राउन कलर से हैं, ये देखिए ऐसे दो का एक किया, फिर वापस सिलाई में डाला, फिर दो का एक किया, दो फंदा घट चुका, फिर वापस सिलाई में डाल के तीसरा फंदा घटाया, फिर वापस सिलाई में डाला, चौथा फंदा घटाया। अगर आप चाहें चौथा फंदा हमने घटा दिया, इसको आगे की तरफ करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए पाँचवा फंदा घटाया, छठा वापस सिलाई में डाला, सातवां वापस सिलाई में डाला, एक बार और इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये देखिए, क्योंकि आगे ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर आपको लंबा, या तो आपको धागा कट करना पड़ेगा या लंबा खींचना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा सातवां, और ये आठ, सॉरी नौ फंदा, और ये दसवां फंदा, अभी यहाँ पे ये ग्यारहवां फंदा है, और ये ग्यारहवां फंदा घटा दिया, ये देखिए। तो जो बढ़ाए थे फंदे मैंने वो इस तरीके से घटा दिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग के साथ हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे ये 22 फंदे छूटे हुए हैं, हम इन्हें सभी को ब्राउन कलर से ही बना लेंगे, ये देखिए ऐसे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस, और इसको हम ऐसे ही उतारते हुए बना लेंगे, ये देखिए। चाहे आप इसको बुन भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुनने के बाद भी ज़्यादा बड़ा होल नहीं बनेगा आपका, ऐसे ही रहेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एक पत्ती ये इस तरीके से बनके कंप्लीट हो चुकी है, बाकी की पत्तियाँ भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इस ब्राउन कलर से ही सीधी सिलाई को भी बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से कुछ पत्ती हमारी बन चुकी है, और सीधी सिलाई भी मैंने बना ली है। अब दूसरी पत्ती के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम अपना, ये देखिए थोड़ा सा एक बार और हमने पास में लाना था, ये कोई नहीं, इसको भी हम ऐसे ही, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ तक अपना दबाते हुए जाएंगे, क्योंकि आगे आपको फंदा बढ़ाना है,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ऐसे भी करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अंगूठे से दबाएंगे इस तरीके से धागे को, और लपेटते हुए ही हम फंदे को बढ़ा लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अंगूठे के साथ इसको धागे को इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए दबा लिया, और लपेटते हुए ही फंदे को बढ़ाएंगे। मैं आगे की पत्ती आपको बता रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि आप अपने आप ही ये सेट हो जाएगा जब हम फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। तो लास्ट के हम दो फंदा फिर से छोड़ेंगे, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो एक पत्ती हमने यहाँ पे ये बना ली है, बाकी की पत्तियाँ भी हम ऐसे ही बनाते हुए अपना इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इसको ऐसे ही बनाते, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना के कंप्लीट कर लोगे। चाहे आप पुरानी चुन्नी साड़ियों में बनाएं, चाहे आप वूल में बनाएं, तो आसानी से आप बना लोगे। तो देखिए लास्ट के दो फंदा फिर से छोड़ा, और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद सीधी सिलाई को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको लुक आएगा। तो बाकी की कलियां ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिंक और अपना क्रीम कलर बना के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये क्रीम और पिंक लगाया हुआ है, यहाँ पे क्रीम और ब्राउन लगा दिया है। तो इस तरीके से ही आपका बनेगा। ये देखिए, ये मैंने 18 फंदे डाल के बनाया है, यहाँ पे 22 फंदा ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा आपका लुक आएगा। और देखिए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे भी ये बन के कम्प्लीट हुआ है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपने बनाना है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा ये आपको डोरमेट कैसा लगा। तो बहुत ही आसानी से इसको बना के यहाँ पे सिलाई कर दी है। बीच में आप कोई भी कलर का पॉम्पॉम्स यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर इसी तरह से यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बनाने में बिल्कुल ईजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।